हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। तो गाइस, आज ये सारा कबाड़ आगे से उठा दिया है, इसकी छांटी कर रहे हैं। जो हमारे काम का वो उसे रख लेंगे, बाकी वो सारा फेंक देंगे। तो कबाड़ की तो छांटी हो रही है, आता है कबाड़ी, इसको उठवा। एक मज ना, ये वाली फीमेल बैठ गई दो पे, अभी इसके नीचे अंडे रख देते हैं, बच्चे निकाल लेंगे। हमारे पास अंडे हैं देसी के, इस पिंजरे को सेट करके इसके अंदर बिठाते हैं अंडों वाली मुर्गी। इसको पहले उठा के पीछे लेके चलते हैं अंदर। एक हमारे साथ ये पास ये पौधे पड़े थे काफ़ी टाइम के, लग ही गए। चक चक, तो दोस्तों देखते हैं कि भी जो बच्चा रखा था वो सही है। ये तो बिल्कुल सही है, देखे इसको दाना पानी मिल रहा है अभी। दाना भी खा रहा है अभी, वगैरह बिल्कुल सही है। ये तो हो गया सेफ, इसके जख्म वगैरह भी अब सही हो गए हैं, जो पीछे की साइड हुए थे ना वो भी सब सही हो गए हैं। चलो तो सेफ है। मेरे छोटू भी देख लेना कि ये बैठे हैं अभी, तो ये भी काफ़ी बड़े हो गए। यही रहे छोटू, तीनों के तीनों। सब्जी भी सही है अभी तो, हमारी लगाई थी यहाँ पर, ये भी निकल गई, वहाँ पर भी निकल गई, वो भी सारी सब्जी निकल गई। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, बारिश में कुछ तो बढ़िया हुआ। ये भी निकल गई है, यहाँ पर भी हो गई है, कुछ तो अच्छा ही किया बारिश ने। चावल की कटाई में तो अभी लग जाएगा टाइम, अभी कम से कम नहीं है 15 दिन और ले जाएंगे, दशहरे के बाद में देखेंगे इनको कटवाएंगे। ये देखो कैसे भागे, बस ये यहीं रहेंगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस इतनी जगह है इनके पास। फुल मस्ती कर रहे हैं अपनी। इस तरह बत्तखों ने अपनी साफ सफाई स्टार्ट कर रखी है। एक तो यहाँ रहा, दूसरी कहाँ पे है, दूसरी साइड पे ये रहा मेरी मेल, अभी नहा रही है मस्कोवी की, तीन फीमेल एक मेल, ये रहा। तो आज हमने एक ना इस केज का यूज़ किया है, ऐसे इसमें पानी और दाना डाल दिया है और इस साइड में अंडे रखे हैं। ये हमारे जंगली के अंडे हैं जिसमें फीमेल छोड़ दी है। ये मुर्गी हमारी है कुड़क पे, इसको अंडों के पास करते हैं, देखते हैं क्या होने जा रही है। अंडों को देख रही है अभी, इसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि आराम से अपने अंडे संभाल लें। ये मुर्गी ना ऐसे बड़ी मुश्किल से बैठ रहे हैं, इसके कारण ना इनकी चेस्ट नीचे लग रही है, उनको इन्फेक्शन आने का खतरा ज़्यादा हो रहा है। अभी इसके अंदर ना थोड़ी सी लकड़ी लगा देते हैं, जिसके उसके ऊपर आराम से बैठ पाएंगे। ऐसी लकड़ी ना उसके अंदर लगा देते हैं ताकि बहुत रात को आसानी से बैठ पाए। ऐसे करके इनमें लकड़ी सेट कर दी है, सभी पिंजरों में ऊपर बैठ चढ़ के बैठने लग गए हैं। अभी इससे ना इनको आराम भी रहेगा और ये बीमार भी नहीं होगा इस लकड़ी पर बैठने से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।